गोपू को बुलाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अभी बुलाओ गोपू को। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। गोपू गोपू, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं, जल्दी से चल कमरे में। आया माँ। गोपू पिताजी के कमरे में पहुँचता है। हाँ पिताजी, कहिए। गोपू देख, हमारी बेलापुर में जमींदारी थी, तुझे तो पता ही है, हमारा एक बहुत बड़ा मकान है वहाँ पे, हमारे जमीन जगह भी है, बहुत सारे खेत खलियान हैं। तुम जाओ और जाकर थोड़ा देखभाल करके आ जाओ, काफ़ी साल हो गए हैं हमने नहीं देखा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जाओ और जाकर वहाँ पर देखो, कोई भी बात तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, कल की ट्रेन से ही जा रहा हूँ। ट्रेन पकड़कर गोपू निकल गया बेलापुर के लिए। ट्रेन ने तो ठीक समय पर स्टेशन पे उतार दिया, आगे उसे बस से जाना था, बस पे सवार हो गया बेलापुर के लिए। लेकिन बस ले जाकर एक गांव के पास खराब हो गई। काफी देर से बस खड़ी थी, गोपू को गुस्सा आ रहा था। अरे ये क्या बात हुई, यहाँ आकर तब से खड़ा कर दिया है बस को, ओ कंडक्टर कब चलेगी तुम्हारी बस। अरे भाई साहब, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बस ठीक ही हो रही है, चल पड़ेगी। अरे कब चलेगी, कब से तुम कह रहे हो ठीक हो रही है ठीक हो रही है, इतना वक्त लगता है क्या, और इतने सारे लोग बस में बैठे हुए, किसी के नाक में तेल नहीं जा रहा है, अरे तुम लोगों को यही रहना है क्या बस में। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बाबू इतना जल्दी परेशान क्यों हो रहे हो, और इतनी ही जल्दी है तो जाओ थोड़ा हवा खाओ, पैदल ही निकल लो। हाँ हाँ मैं पैदल ही चला जाऊंगा। गोपू उतर गया और उतर कर चलने लगा, काफी दूर तक चलते जा रहा था, उसे तो कोई भी नहीं दिख रहा था, काफी आगे बढ़ने लगा। अब तो शाम होने लगी थी और शाम होने के साथ साथ उसे आते जाते न तो कोई बस दिख रहा था न कोई रिक्शा दिख रहा था। अचानक से एक चाय वाले की दुकान दिखी, गोपू वहाँ पहुँचा। अरे भैया ये बेलापुर जाने के लिए यहाँ से कोई बस मिलेगी क्या। अरे बस तो चली गई, 5 बजे की लास्ट बस थी, इसके अलावे तो कोई बस नहीं है। और रिक्शा वगैरह कुछ और तो मिल सकता है। मैं क्या यहाँ सूचना देने के लिए बैठा हूँ, देख लो आगे बढ़ के, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, कैसे बात करते हो, चलो चलता हूँ। गोपू सोच कर आगे बढ़ने लगा। गोपू मन ही मन सोच रहा था, अभी मैं बताता कि मैं राज परिवार का वंशज हूँ, यहाँ पर मेरे दादा परदादा जमींदार थे, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, मेरे से मेरे ही गांव का बासी इतनी हिम्मत करके बात कर ले, चलो छोड़ो चलता हूँ। धीरे धीरे रात होती जा रही थी, हवा भी जोरों से चलने लगी थी, ऊपर से बारिश भी होने लगी थी। गोपू अब परेशान हो रहा था क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, कैसे वो बेलापुर पहुँचे, और बेलापुर दूर भी कितना है यह भी अंदाजा नहीं था। एक आदमी नहीं दिख रहा था जिससे वो पूछे कि बेलापुर जाने का रास्ता सही पकड़ा भी है या नहीं पकड़ा है। गोपू बस चले जा रहा था चले जा रहा था। अरे बाप रे अब तो थक गया हूँ, कुछ तो भेज दो ऊपर वाले। तभी एक रिक्शा की आवाज आई, रिक्शा को देखकर रुकवाया गोपू ने। अरे ओ भैया रुको रुको रुको, चलोगे क्या बेलापुर। बेलापुर तो नहीं जाना, चलो चलो हटो रास्ते से। रिक्शा वाला आगे बढ़ गया। फिर गोपू ने आवाज लगाई, मुँह मांगी रकम दूंगा, जितनी मांगोगे उससे ज्यादा, चलोगे क्या। रिक्शा आगे जाकर रुक गई। आओ बाबू आओ। गोपू झट से रिक्शे पे सवार हो गया। अब रिक्शा आगे बढ़े जा रहा था। बेलापुर में कहाँ जाओगे बाबू। अरे जाऊंगा, वो जो जमींदार का घर है ना वही जाऊंगा, मैं जमींदार का वंशज हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ अपनी घर संपत्ति देखने के लिए, वैसे तो अब जमींदारी नहीं रह गई है,
लेकिन घर है, संपत्ति है, महल है, उसकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। गोपू बोले जा रहा था लेकिन रिक्शा वाला एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। गोपू को थोड़ा अजीब सा लगा, फिर उसने पूछा, अच्छा भैया क्या नाम है तुम्हारा? मोहन नाम है मेरा। रिक्शा चले जा रहा था। ठंडी हवा और बारिश की वजह से धीरे धीरे थके हुए गोपू को नींद आ जाती है, और गोपू की नींद जब खुलती है तो वो देखता है रिक्शा उल्टा हुआ है और गोपू जमीन पे पड़ा हुआ है। गोपू उठता है, हाथ साफ करता है, हाथ में बहुत जोरों का दर्द हो रहा होता है। अरे मुझे तो नींद लग गई लगता है, क्या हुआ भाई, ये यहाँ पर क्या रोक दिया तुमने रिक्शे को? अरे भाई यहाँ पे बाबू साहब रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया, ये पानी वानी पड़ा है ना, फिसल गया रिक्शा, अब तो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? गोपू ने घड़ी देखा और घड़ी में 11 बज रहे थे। अरे 3 घंटे से मैं इस रिक्शा में हूँ और 3 घंटे से तुम मुझे बेलापुर नहीं पहुँचा पाए, कर क्या रहे थे? अरे बाबू ये बारिश का समय है, ये कोई हवाई जहाज नहीं है बस। अच्छा बताओ तो बेलापुर यहाँ से कितना दूर होगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। 1.5 माइल तो होगा बाबू, अभी जाकर क्या करोगे बाबू? सुनो ऐसा करो मेरे घर पे चलो, अभी रात बिता लो, अगले दिन सुबह चले जाना। अच्छा। मन में तो गोपू को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी अनजान के घर में जाना, लेकिन गोपू को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चलो कोई नहीं, तुम्हारी ही बात मान लेता हूँ। आओ बाबू आओ, आओ इधर आओ। अब वो एक गांव की तरफ बढ़ा। उस गांव में सबसे अजीब बात थी, एक भी घर में उजाला नहीं था, बस एक छोटे से घर में टिम टिम करके एक रोशनी जल रही थी। गोपू को रिक्शा वाला उसी घर में ले गया। आओ बाबू आओ बैठो। घर में कमरे में एक बिस्तर था, एक टूटी फूटी अलमारी थी और सामने एक औरत खाना बना रही थी। अरे एक तो इतनी रात को आए हो, ऊपर से किसे लेके आए हो, अब इनके खाने पीने का कैसे इंतजाम होगा, तुम तो कुछ सोचते ही नहीं। अरे भाग्यवान इतना मत सोचो, ये हमारे राज परिवार के वंशज हैं, राजा बाड़ी आए हैं, इनके लिए तो खाने पीने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। अच्छा बाबू आप थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे। अरे नहीं नहीं आप लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस रात काट कर चला जाऊंगा, एक ग्लास पानी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं, आप तो राज परिवार के हैं, अब तो मैं बनाऊंगी ही और आपको खिलाऊंगी ही बड़े बड़े पकवान। तुम बहुत बोलती हो, चलो काम पे लगो, बाबू साहब आप आराम करिए। कब गोपू बेड पर लेटा और नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से नींद खुली बाहर रोने की आवाज सुनकर, कोई महिला रो रही थी। अरे ये रोने की आवाज कैसे है? मोहन बोल पड़ा, अरे बाबू वो कोई नहीं सियार वियार भूख रहा होगा, चलो खाना तैयार हो गया है आप खाना खा लो। गोपू की आंखें फटी की फटी रह गई खाना देखकर, इतना सारा खाना और ये तो राजसी भोजन लग रहा था, इतनी जल्दी इतने सारे पकवान कैसे बन गए? आपने इतना कष्ट क्यों किया? अरे नहीं बाबू कोई बात नहीं है आप खाइए। गोपू भूखा तो था ही, खाते चला गया और इतना अच्छा लग रहा था उसे खाना कि खाए जा रहा था और गला तक खाना भर गया था। अब मुझे ना एक ग्लास पानी दे दो आप भाभी, और कुछ नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल पानी भी दे दूंगी, लेकिन आपके लिए इतने प्यार से बनाया है ये रसगुल्ले, तो आप जरूर खाओ, बिना खाए आपको पानी नहीं मिलेगा। गोपू ने जैसे तैसे रसगुल्ला खा लिया। अब गोपू हाथ धोने के लिए बाहर आया, बाल्टी में पानी था, हाथ धोया। हाथ धोने के बाद उसने मोहन से कहा, मैं ये पानी पी लूं? अरे नहीं बाबू ये जहरीला पानी है, ये पियोगे तो मर जाओगे, चलो अंदर मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। काफी देर हो गई थी गोपू को बैठे बैठे, लेकिन पानी लेकर अभी तक मोहन की पत्नी नहीं आई थी।
गला सूखा जा रहा है, थोड़ा पानी दे देते तो बड़ा अच्छा होता। अरे बाबू मैं देखता हूँ कहाँ चली गई। मोहन वहाँ से निकल जाता है। एक तो पेट भरा हुआ था, ऊपर से हवा चल रही थी। गोपू को नींद आ जाती है, अचानक से नींद खुलती है। पानी पानी पानी। गोपू देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे ये लोग कहाँ चले गए, चलो बाहर निकलता हूँ। गोपू बाहर निकलता है तो देखता है कई लोग मरे पड़े हैं और उसे घेर कर बहुत सारे लोग बिलाप कर रहे हैं, लेकिन एक भी चेहरा पहचाना हुआ नहीं था। गोपू आगे बढ़ जाता है। आगे भी दूसरे घर के सामने वैसा ही सीन दिखाई देता है। अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग बिलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये गांव ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चलूं चलता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। गोपू आगे बढ़े जा रहा था, जहाँ रास्ता मिल रहा था उधर ही चले जा रहा था। अचानक उसे मोहन दिखता है। मोहन, ओ मोहन ये क्या हो गया। बाबू साहब लक्ष्मी अब नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, उसने तो इतना सारा खाना बनाया मेरे लिए, इतनी अच्छी तो थी वो। नहीं बाबू साहब अब वो नहीं है। गला पानी के बगैर सूख रहा था। गोपू ने न चाहते हुए भी पूछा, एक गिलास मोहन पानी दे दो। बस इतना पूछना था कि सारे लोग बदले हुए नजर आने लगे। सबकी आंखें लाल लाल और सारे डरावने भूत में बदल गए। अब तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हारे दादा ने हमें बिना पानी के मार दिया। फिर गोपू के सामने जैसे कि सारा दृश्य दिखने लगता है। महल, महल के बगीचे में बैठा हुआ जमींदार और जमींदार के पास बहुत सारे लोग मिन्नत कर रहे हैं। बापू साहब हमें दे दो पानी, हम मर जाएंगे। बाहर के तालाब में पानी जहरीला है, बस आपका ही कुआं है जिसका पानी अच्छा है। हाँ बापू साहब हमें दे दो, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। सुनो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग मरो तो मरो, मैं अपना पानी किसी को नहीं दूंगा। और इस पानी पर शीर्ष राजबाड़ी का हक है और किसी का नहीं। ये दृश्य देखकर गोपू का मन भारी हो जाता है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। खड़े भूत बोलने लगते हैं। हाँ हाँ मुझे मार दो, मैं ऐसे परिवार का वंशज हूँ जिसने गांव का गांव उजाड़ दिया, मुझे मार ही दो। लेकिन मारने के बाद भी मुझे क्षमा कर देना, मेरे परिवार वालों को क्षमा कर देना। गोपू ने इतना कहकर जैसे ही सर उठाया, उसने देखा सारे भूत गायब हो चुके थे। गोपू ने वो घर जमीन सब बेच दिया और उन पैसों से प्याऊ लगवाए और बेलापुर में सारी सुख सुविधाएं करवा दी।